बाबरी मस्जिद तो गिरी पर किसी ने गिराई नहीं। मैं छाती ठोक कहता हूं, यस हमने तोड़ा था, उसका मुझे गर्व है। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद जो बरी किए गए उनमें से कुछ लोगों ने डंके की चोट पे कहा कि हाँ मैंने ढांचा तोड़ा था। आप अभी भी इल्ल-कुल गिराया था। आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई किस तरफ जा रही। जब ये समाचार सुना जय श्री राम कहकर के हमने इसका स्वागत किया। तो कुल मिलाकर सवाल खड़ा होता है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI पर जो 28 साल के बाद भी खाली हाथ है। नमस्कार दोस्तों, आज 30 सितंबर का दिन 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज फैसला आया है बाबरी मस्जिद के विध्वंस मामले में, क्रिमिनल केस के मामले में। जज SK यादव साहब ने कहा कि बाबरी की ढांचा गिराया तो गया लेकिन वो पूर्व नियोजित नहीं था। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। फैसले के बाद तमाम लोग जो बरी किए गए उनमें से कुछ लोगों ने बाहर आके इस बात को कहा, डंके की चोट पे कहा कि हाँ मैंने ढांचा तोड़ा था, हाँ मैं एजेंडे के साथ वहां गया था, हाँ मेरी पार्टी के नेता अशोक सिंगल ने मुझे कहा था कि इस बार ढांचा बचना नहीं चाहिए। मैं छाती ठोक कहता हूँ, यस हमने तोड़ा था, उसका मुझे गर्व है। इसके लिए CBI कोर्ट ने बरी कर दिया, उसका धन्यवाद। अगर CBI कोर्ट को सजा सुनाती उसको भी हम स्वीकार करने को तैयार थे। तो जज को जो नहीं दिखता है वो आरोपी, जो अब तक आरोपी थे, वो बाहर आके जज के मुंह पर आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने तोड़ दिया है, तुमको जो करना था कर लो। लेकिन जज साहब कुछ नहीं कर पाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई किस तरफ जा रही है, ये जो राजनीतिक लड़ाई है बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर, ये किस तरफ आगे बढ़ रही है। सरकारें कुछ भी कहती रहें लेकिन जो लोग वहां गए थे 6 दिसंबर 1992 की उस खतरनाक दिन पे, अगर आप याद करें जो लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी अयोध्या में, वो दरअसल अगर इस जय भगवान गोयल जो उस वक्त शिवसेना के नेता होते थे, जो इस मामले से जो 28 साल से चल रहा है इसमें एक आरोपी थे, वो बाहर आकर फैसले के बाद ABP न्यूज़ के कैमरे पर ये कहते हैं कि हाँ मैंने ढांचा तोड़ा है, हाँ मैं ढांचा तोड़ने के एजेंडे के साथ वहाँ गया था। लेकिन जज साहब को ये नहीं सुनाई देता। जज साहब कह देते हैं सिंगल मेंबर बेंच कि कोई साजिश नहीं दिखाई दी, कोई पूर्व नियोजित प्लान नहीं था, हो सकता है कि भीड़ अचानक वहां इकट्ठी हो गई हो। तो आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वो ढांचा गिराया था, आप अभी भी बिल्कुल गिराया था। गिराते तो तभी तो मंदिर बना है। अगर 6 दिसंबर 1992 को हम ढांचा ना गिराते तो राम मंदिर कैसे बन पाता। तो जो लोग तोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं इस बात में अपना फक्र महसूस कर रहे हैं, अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हाँ मैंने ढांचा तोड़ा, इतना बड़ा उन्होंने क्रिमिनल काम किया, इतनी बड़ी आपराधिक साजिश को उन्होंने अंजाम दिया जिसमें उन पर एक बड़ा संगीन मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन जज साहब कह देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ पूर्व नियोजित नहीं था, सब कुछ अचानक हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया, वहां पर मौजूद भीड़ ने ऐसा कर दिखाया। और जो लोगों ने ऐसा किया उनको एक बकौल वकील जो उस कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने बाहर आके कहा कि वो असामाजिक तत्व थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में दरअसल क्या कहानी कही जा रही है। जो लोग तोड़ रहे हैं वो अपने आप को हीरो बताने की कोशिश कर रहे हैं और जिन लोगों को हीरो को जीरो साबित करना है वो वैसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वैसे साक्ष्य नहीं है, वैसे एविडेंस नहीं है। मेरा इशारा CBI की ओर है। जो ये मुकदमा 28 साल से CBI लड़ रही थी उस इन 28 सालों में भी CBI तमाम सरकारों के बदलने के बावजूद भी ये नहीं कर पाई कि ऐसे साक्ष्य इकट्ठा कर पाती जिससे ये साबित होता कि जय भगवान गोयल जैसे लोग जानबूझकर वहां पर पहुंचे थे बाबरी के ढांचे को गिराने के लिए। इसीलिए कोर्ट ने इन तमाम लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट तो सबूतों के आधार पर चलता है, जब कोर्ट के पास साक्षी नहीं होंगे, जांच एजेंसी उस दिशा में काम ठीक से नहीं करेंगी तो होगा क्या। तो कुल मिलाकर सवाल खड़ा होता है देश की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे ऑनेस्ट माने जाने वाली जांच एजेंसी CBI पर जो 28 साल के बाद भी खाली हाथ है। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बाबरी तो गिरी पर किसी ने गिराई नहीं। ये आज की कहानी है कि बाबरी का ढांचा गिरा दिया गया पर किसी ने गिराया नहीं। अब आप ये समझ सकते हैं किस तादाद में लड़के बाबरी मस्जिद के उस मॉस्क पर, उस गुंबद पर खड़े चढ़े हुए थे और तोड़ रहे थे।
और जज साहब कह रहे थे कि स्वतः स्फूर्त हो गया, अचानक हो गया। इसीलिए आज जब रिएक्शंस आने शुरू हुए, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी का हो, आप देखिए इन तस्वीरों में आराम से बैठकर एबीपी न्यूज़ देखते हैं, फैसला आता है, रिएक्शन देते हैं और कहते हैं सत्य की जीत हुई है, आज हमारा विश्वास जुडिशरी पर और बढ़ गया है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। उसके बाद बाहर निकल के आते हैं, 90 साल से ज्यादा उम्र के हैं आडवाणी जी, बाहर निकल के आते हैं, अमूमन अपने घर से आजकल कम बाहर निकलते हैं, इस कोरोना काल की वजह से वो अयोध्या भी नहीं गए क्योंकि उनको आरोपी थे तो उनको वहाँ पेश होना चाहिए था, लेकिन इस फैसले के बाद वो चलकर अपने कदमों से अपने परिजनों के साथ, उनकी बेटी उनका बेटा उनके साथ हैं, वो बाहर आते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उनके घर के बाहर मीडिया के लोग खड़े हैं, जर्नलिस्ट खड़े हैं, कैमरे खड़े हैं, वहाँ आकर वो हाथ जोड़ते हैं और देखिए इन तस्वीरों को, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जब ये समाचार सुना जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। मैं समझता हूँ अब इस निर्णय को सबने मानना चाहिए और इसके आगे अब इस विवाद पर पटाक्षेप करना चाहिए और सबको मिलके अब श्री राम के मंदिर के भव्य निर्माण के लिए सहायता करनी चाहिए। ऐसे ही रिएक्शन साध्वी रितंबरा का आया, ऐसे ही रिएक्शन योगी आदित्यनाथ का आया, उनका ट्वीट देखिए, उनका रिएक्शन देखिए, उनकी 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 तरफ से जो लिखित बयान जारी किया गया कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बीजेपी के आला नेताओं को इस मामले में फंसाया। आरोप क्या था कि ये तमाम लोग 6 दिसंबर 1992 को मौजूद थे बाबरी के ढांचे के सामने और लोगों को इस ढांचे को गिराने के लिए उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। पर इन लोगों का ये तर्क था, आरोपियों का, तमाम आरोपियों का, कि हम तो दरअसल भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे, लोगों को आगे जाने से रोकना चाहते थे, लेकिन भीड़ हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गई। इस दलील को जज ने ठीक माना कि ये लोग ढांचे को गिराने नहीं गए थे, रोकने गए थे। पर कुल मिलाकर आज 28 साल के बाद तमाम जितने लोग थे इस फैसले में, वो सब के सब, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हों, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे वो कल्याण सिंह हों, उमा भारती हों, महंत नृत्य गोपाल दास हों, साध्वी रितंबरा हों, चंपत राय हों, विनय कटियार हों, रामविलास वेदांती हों, ऐसे करते करते कुल 32 लोग हैं, ये सब के सब बरी हो गए हैं। एक भी आदमी को दोषी माना नहीं गया है, यानी जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद तो गिरी पर किसी ने गिराई नहीं, लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद थी पर किसी ने किसी को देखा नहीं। लंबे जब फैसले होते हैं तो इसी तरीके से इंसाफ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और उस इंसाफ पर सवाल खड़ा होता है। जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, खासकर सीबीआई के बारे में, अगर सीबीआई, जिसको इतना बड़ा अभी खबरों में रही सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर कि वहीं पर जहाँ जानी चाहिए सीबीआई में ही इंसाफ मिलता है, पूरी मुहिम छेड़ी गई और सीबीआई के पास ये मुकदमा आ गया ये मानते हुए कि वहाँ पर इंसाफ मिलेगा सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों को, आज वही सीबीआई अपने ही कृत्यों की वजह से सवालों के घेरे में है। अगर सीबीआई अपनी पाक साफ छवि को बना के रखना चाहती है, अगर वो ये साबित करना चाहती है कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है, तो सीबीआई को इस फैसले के खिलाफ अब हायर कोर्ट में, यानी उच्च अदालत में, हाई कोर्ट में अपील तुरंत करनी चाहिए ताकि ये साबित हो सके कि जिसका मुकदमा चल रहा था 28 साल से वो मुकदमा बेमानी नहीं था। अगर सीबीआई ये नहीं करेगी तो जो दूसरा पक्ष है, जो बाबरी मस्जिद की तरफ से लड़ रहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसने साफ कर दिया है कि हम हाई कोर्ट में जरूर जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अपने इंडिपेंडेंस के लिए अपील करेगा। मुझे नहीं मालूम करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा तो मैं तो गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से कि वो अपील करें इस जजमेंट के खिलाफ। जजमेंट तो जजमेंट है और उसके खिलाफ जो रेमेडी अवेलेबल है वो रेमेडी अवेल की जाएगी। क्या रेमेडी, क्या हो रेमेडी? हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट को इख्तियार है इस जजमेंट को रिवर्स करने का, हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे। यानी ये लड़ाई अभी राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर लंबी चलने वाली है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।